एवरीवन कैसे हो। हाँ मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज के इस वाला वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बेस्ट फॉर ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। एंड ये वाला एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को बहुत सारा ऑटो टूल देखने को मिल जाएगा जिसका यूज करके आप लोग किसी भी फोटो को ऑटोमेटिकली एडिटिंग कर सकते हो। ये वाला एप्लीकेशन के अंदर आप लोग को AI टूल देखने को मिलेगा जिसका यूज करके आप लोग बेस्ट से नेक्स्ट लेवल तक एडिटिंग कर सकते हो। ये वाला एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेशन से बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। सो श्योर आप लोग ये वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना एंड आप लोग का फोटो को एडिटिंग कर लेना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए वाला वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वाला एप्लीकेशन का नाम है भाई फोटो रूम, ठीक है। ये वाला एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पे अवेलेबल मिल जाएगा, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। ये वाला एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला फोटो रूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारा आप लोगों को प्रो टूल मिलने वाला है, बहुत सारा आप लोग को यहाँ पर टेम्पलेट मिलने वाला है, इसका यूज करके आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को प्लस टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, ठीक है। प्लस टूल के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को फोटो को सिलेक्ट कर लेना, जो फोटो आप लोग एडिटिंग कर ले रहे हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि देख सकते इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैजिक टूल का कमाल से हम लोग एक एक हेयर को पार्ट को सिलेक्ट कर लिया एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं मैं अगर ये वाला फिल्टर के अंदर क्लिक करूँगा सो एक ही क्लिक के अंदर कुछ इस तरह के एडिटिंग हो जाएगा, जो आप लोगों का घंटों का टाइम लगता था एक क्लिक के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है भाई। ये वाला फोटो अगर आप लोग पिक्सेट में करोगे तो भाई 5 से 10 मिनट टाइम लग जाएगा भाई कट वगैरह करने के लिए, लेकिन ये वाला एप्लीकेशन का आप लोगों से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, अपलोड करना है एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों को टेम्पलेट दे देगा कौन सा आप लोगों को सेव करना है, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं कुछ इस तरह का भी आप लोगों को टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा एंड आप लोग देख सकते हो बहुत सारा यहाँ पे आप लोगों को टेम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। सो चाहो तो आप लोग इंस्टा पर DP भी रख सकते हो भाई, DP के लिए बहुत ही बेस्ट है ये वाला टेम्पलेट। ओके तो मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा टेम्पलेट दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा आप लोगों को कलर टोन का टेम्पलेट मिल जाएगा। सो इसका यूज करके आप लोग बेस्ट से नेक्स्ट लेवल तक तो एडिटिंग कर सकते हो अब से भाई। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को बहुत सारा कवर, मतलब कवर टाइप का यहाँ पे भी मिल जाएगा साइज वगैरह। अगर आप लोग इंस्टा पे पोस्ट करने वाले हो तो भाई प्रोटेक्ट वगैरह सेट कर लेना, ठीक है। सो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग बहुत सारा एडिटिंग, अगर मैं आप लोगों को नीचे को जाके दिखाऊं तो बहुत सारा आप लोग को यहाँ पे भी एडिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग कलर टोन वगैरह को एडिटिंग करना है जस्ट वन क्लिक के अंदर आप लोग इस तरह का एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आप लोग को एडिटेड देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं अगर आप लोग मॉडलिंग करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारा आप लोग यहाँ पे बहुत सारा न्यू टेम्पलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता हूँ भाई इसको एडिटिंग कैसे करना है, मतलब फोटो को आप लोग एडिटिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है। सो फोटो को एडिटिंग करना भाई बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। किसी भी आप लोग फोटो के अंदर ओपन कर लेना, यानी कि ओपन कर लेना, ठीक है। यहाँ से आप लोग इसका बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हो, ओके। सो अगर मैं बैकग्राउंड का कलर को चेंज करने वाला हूँ तो इसका अंदर क्लिक कर सकते हो। अगर रिप्लेस के अंदर क्लिक करूँगा सो यहाँ से आप लोग किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारा आप लोगों को बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा नेचर वगैरह का, ठीक है। तो मैं अगर किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से तो इस तरीके से एडिटिंग हो जाएगा एक क्लिक के अंदर ही, ठीक है। एक मतलब एक बेस्ट फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन। अगर आप लोग बैकग्राउंड को ऐड करना चाहते हो खुद का सो यहाँ से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो फोटो के अंदर क्लिक करके, ठीक है। कलर वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ओके। सो भाई देख सकते हैं कितना आसान तरीके से आप लोग का एडिटिंग होने वाला है, ठीक है। बेस्ट से नेक्स्ट लेवल तक आप लोग यहाँ से एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप लोग इसके अंदर ब्लर भी डाल सकते हो, ओके। सो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे आप लोग करना है, ओके। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग चाहो तो सब कुछ कर सकते हो, क्या कुछ नहीं कर सकते हो आप लोग खुद ही देख सकते हो। बहुत सारे आप लोग यूजुअल मतलब टेम्पलेट मिल जाएगा जिसका यूज करके आप लोग बहुत ही आसान तरीके से एडिटिंग कर सकते हो, ओके। तो भाई मुझे ये वाला टेम्पलेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, ओके। सो ये वाला टेम्पलेट मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा तो ये वाला टेम्पलेट मैं सेट कर लूँगा। चाहो तो आप लोग इसका फ्रेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हो एंड चाहो तो आप लोग नेम वगैरह भी टाइप कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है एक क्लिक के अंदर ही। तो फोटो को हम लोग को सेव करना है, सेव करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं सेट टूल है, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है एंड क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव टूल मिलेगा, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मिल जाएगा सेव टूल, इसके अंदर क्लिक करके आप लोग फोटो को सेव कर लेना एंड डायरेक्टली हमारा फोटो डाउनलोड हो चुका है गैलरी के अंदर, ठीक है। सो ये वाला वीडियो आप लोग कैसे लगा भाई कमेंट करके जरूर बता देना एंड ऐसे अगर आप लोग शॉर्टकट एप्लीकेशन चाहते हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि ऐसे आप लोगों को धमाकेदार वीडियो मिलता रहेगा, ओके। सो आज मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।